ये बना के दिए सो है गाड़िया भी बना सो हाँ मेरा भी है। हम कभी एक जना ऐसे करा था तो बुला के ले लिया वापस। अच्छा नहीं नहीं पता है पीछे तो बैठा बहस करा था। अच्छा नहीं नहीं मालूम था। भाई जरा कैमरा देखो पीछे भी लोग थोड़ा नीचे रख के संभाल के जरा पीछे हो शाम हमको आकर यहाँ पर हमारे साहित्य ट्रस्ट के मेंबर्स चेयरमैन एमडी और हमारे डॉक्टर हफ्सा मैडम और हमारे अमीरुल्लाह खान साहब आईएएस ऑफिसर भी रहे तो ये लोग हमको बुलाकर इनाग्रेशन का मौका दिए और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे साहित्य ट्रस्ट और अक्सेस फाउंडेशन और भी दक्कन एलिविंग ये लोग सब मिलकर जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सनट्रेटर तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर भी नहीं अदर स्टेट में भी कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे हैं मगर ये लोग भी जो है ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे हैं इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेंगे और है भी और इंशाल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी और हमारा बिजनेस का भी उनसे काम है कंस्ट्रक्शन का और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर जो आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की भी सपोर्ट केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे सीएम साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुँचा सकते मतलब पब्लिक को जो भी फायदा पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने एनजीओस की तरफ से मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग और भी क्या और भी कमी है तो और भी बाहर से और इंपोर्ट कर रहे हैं ये कंसल्टेटर और इंशाल्लाह ताला हम भी पूरी तरीके से ये ट्रस्ट को साथ देंगे और कभी भी कोई भी चीज़ यही बोल के नहीं और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बराबर आपके साथ खड़े हुए हैं और अल्लाह चाहे तो जो है ना गरीब आवाम के लिए करना चाहिए और हम भी करते हुए आ रहे हैं अल्लाह के करम से मगर और भी करेंगे और करते रहना है जब तक सांस है जब तक जितना अपने को अल्लाह दिया उसमें सबका शेयर रहता उसमें खाली अल्लाह मियाँ दिया तो खाली अपना ही बोल के नहीं रहता इसमें अपने नेबर का भी रहता गरीब आवाम का भी रहता रिश्तेदारों का भी रहता हर एक का हक रहता तो ये सब बांट के खाने में सबको हेल्प करने में जो है अल्लाह मियाँ और नवाजता उसमें तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आने के बाद क्योंकि हमारे हफ्सा मैडम भी जो है ना इसमें बहुत डॉक्टर रह के भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी और हमारे अनीस भाई का और हमारे पूरे ट्रस्ट वालों का और आईएएस ऑफिसर हमारे अमरुल्लाह खान साहब का अमीरुल्लाह खान साहब का बहरहाल बहुत खुशी की बात है और अल्लाह चाहे तो जो है ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब की गवर्नमेंट की तरफ से
आपको भी जो भी सपोर्ट होना है बराबर, हम ये लॉकडाउन के बाद में एक बार KTR साहब से भी हम आप लोगों की मीटिंग करा के ये काम चल रहा बोल के आपका सब बताएंगे यहाँ पर ट्रस्ट में जो जो डेवलपमेंट चल रहे, और वहाँ से भी आपको चाहिए तो जो ना गवर्नमेंट से भी आपको हम पूरा सपोर्ट कराएंगे वहाँ से, और हमारे से भी जो भी है कभी भी एनी टाइम आप बोल सकते हैं, हम जो भी खिदमत का हमको मौका दीजिए हम बराबर खिदमत करने के लिए तैयार है। ये जो कॉन्सिलेटर है ये फ्री दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी एक पैसे का भी चार्ज नहीं है, फ्री देंगे, जिसकी भी ज़रूरत है उसको वापस करना है, उसको इमीडिएट देंगे और फिर वो वापस कर देना है, क्योंकि उसमें ही ऑक्सीजन डेवलप होता है, उसमें ही दूसरे पेशेंट को भी काम में आता वही। टेक लीजिए मैं बोल देता हूँ, चलिए मेरे पास एक लैंड नंबर है जिसपे आप व्हाट्सअप करेंगे, जो भी व्हाट्सअप करेंगा वो नंबर पे हमारा आदमी चेक करके अगर उसको ज़रूरत है तो उसके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसको दे देंगा, ये कोई पैसा नहीं है, फ्री आपका होता है, रेंटल फ्री है, लेकिन जैसा है उन्हें सेहतमंद हो जाएगा उसके बाद में उसको कॉन्सेंट्रेटर को हमको वापस लाना पड़ेगा। जो हमारा नंबर है जिसके ऊपर व्हाट्सएप पे हम अपील ले रहे हैं लोगों की, उसका नंबर है 9059861794। ये नंबर पे अगर कोई व्हाट्सअप करता है तो इमीडिएटली हमारी टीम जो है उनको कांटेक्ट करेंगी और उनको कांटेक्ट करके कॉन्सेंट्रेटर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या उनको बता देंगे कॉन्सेंट्रेटर यहाँ रखा हुआ है आके लेके जाइए। जब कॉन्सेंट्रेटर वापस आएगा हम उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके माउथ पीस को फेंक के दूसरा नया माउथ पीस लगाएंगे, 500 रुपये का खर्चा आता है वापस आके दूसरे पेशेंट को कॉन्सेंट्रेटर जाने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेटर जो है मिल्कियत ट्रस्ट की रहेंगी, लोगों के घरों पे इस्तेमाल करेंगे, जब तक उसको ज़रूरत है इस्तेमाल कर सकता, उसकी ज़रूरत होने के बाद में उसको वापस करना पड़ेगा। थैंक यू। व्हाट्सएप बोला ना इसके डॉक्टर, आप बोला अपना इंट्रोडक्शन। डॉक्टर हफ्सा फ्रॉम एक्सेस फाउंडेशन, we are working for COVID care over the last 1 year, all of us, all the NGOs that are here, and we have got these concentrators from Medical Aid UK as a part of their charity, and we will be giving this for home care where oxygen is up to 5 liters of oxygen that is required at home. These concentrators will be given to the needy and they can use it to compensate for the oxygen that is required. And we've got a consignment of about 400 concentrators in total that will be coming in a week's time, and these will be distributed by the various NGOs. Why are oxygen concentrators? This is for home care where oxygen is required, and they can be taken care of at home with minimal oxygen. And post hospital, after discharge, when they are discharged from hospital, to be supported at home on minimal oxygen, these concentrators are required to decrease the hospital stay. मैं सैयद अनीसुद्दीन, CEO सहायता ट्रस्ट की हैसियत से बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, उनकी मदद के बगैर ये कंसाइनमेंट एक दिन में एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल सकता था। मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन अवीसी साहब का जो हमारे को कोऑर्डिनेट करे गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से और ये कंसाइनमेंट निकालने के लिए मिनिमम टाइम में निकालने के लिए, और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दैट गवर्नमेंट जियो विच वी हैव रिसीव्ड फॉर एग्जम्पशन। हमारे ट्रस्ट को बाहर से जो भी चीज़ ला रहे हैं उसके लिए एग्जम्पशन का भी हमको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से लेटर मिला। सो ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट एंड ऑल माई कोलीग्स आई वॉन्ट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर हेल्पिंग मी इन अचीविंग दिस। However, this is the first consignment. I am expecting. हिंदी में मेरे को problem है, उर्दू में स्लो जाता हूँ। ठीक है, ये पहला कंसाइनमेंट है जो 176 का आ गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमको और एक कंसाइनमेंट आएगा जिसमें 200 कॉन्सेंट्रेटर्स रहेंगे और कुछ वेंटिलेटर्स भी है और इसके अलावा कुछ मेडिकल किट्स भी है इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। हम जो नहीं कर सके वो हम ऑक्सीजन वार्ड शुरू करना चाह रहे थे हैदराबाद में, हमको हर जगह प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के परमिशन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन वार्ड में पेशेंट रहता है जब सीरियस हो जाता है उसको कहाँ भिजाना, उसको गांधी हॉस्पिटल भेजाओ बोलते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में ला के खुदाफिज़ बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी तक मैं मेरा ओन हॉस्पिटल चालू करूँगा इन द नेम ऑफ इंडो यूएस हॉस्पिटल कोविड वार्ड।
और उसके बाद में मैं ऑक्सीजन सेंटर्स खोलना चाह रहा हूँ हैदराबाद में भी, अगर कुछ गवर्नमेंट जगह मिल जाती है तो वहाँ खोल देंगे, नहीं तो मैं जो है लक्षाटिपेट में खोलना चाह रहा हूँ, वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ऑफर करी है, और जो है गनियातपुर विजयवाड़ा से पहले अगर आप लोगों को दूसरा सोर्स बताते हैं तो हम मौजूद हैं खिदमत करने के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।